स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। महात्मा गांधी के इस विचार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन अभियान में बदल दिया। इस साल स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की निगरानी में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस मुहिम के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। इस साल स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया है। देश भर में फैले CPWD के 2 लाख आवासों व 75 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैले ऑफिस परिसरों में इस जन अभियान का संचालन सफलतापूर्वक किया गया है। इस अभियान के तहत जन प्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई जानकारियों और निर्देशों को समयबद्ध तरीके से 100% पूरा किया गया। विभाग ने इसी क्रम में लंबित करीब 230 जन शिकायतों का निस्तारण किया। साथ ही लगभग 4,271 फाइलों की पहचान की गई और उचित निर्देशों के अनुसार उनका निष्पादन किया गया। CPWD ने देश भर में अपने आवासीय व ऑफिस परिसरों में विभाग से संबंधित फाइलों को सुरक्षित और संरक्षित किया। साथ ही 2,951 फाइलों की पहचान कर वीड आउट कर दिया गया, जिससे रोजमर्रा के कामकाज के लिए फाइलें त्वरित तौर पर उपलब्ध होंगी और ऑफिस में पहले से अधिक जगह की उपलब्धता की गई। दूसरे चरण में हमने न केवल बाह्य रूप से सफाई करी है, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली को भी और चुस्त दुरुस्त बनाया है। जितनी लंबित पड़े हमारी समस्याएं थीं उनका निवारण किया है, जैसे कि जन शिकायतें, जैसे कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे, और इन सबको हमने निवारण करने के अलावा पुरानी अपनी पेंडिंग फाइलों को भी वीड आउट किया है। और इस प्रकार से न केवल बाह्य बल्कि आंतरिक रूप से भी इस कार्यक्रम को समाहित किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग ने अभियान की जानकारी सक्रियता से जन जन तक पहुंचाई है। स्वच्छता अभियान में निरंतर भागीदार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।